मणिपुर में बीते साल मई से चल रही तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रही। विष्णुपुर में रॉकेट अटैक के बाद अब हिंसा में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो सो रहा था। वहीं बाद में हुई गोलाबारी में 4 हथियारबंद लोगों की जान चली गई। अधिकारी के मुताबिक उग्रवादी जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसे और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भारी गोलाबारी हुई। इसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गोलाबारी में जान जाने वाले लोगों में से कुकी और मैतई दोनों ही समुदाय के लोग हैं। मणिपुर में ताज़ा हिंसा की घटनाओं के बाद पिछले 5 दिनों से तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। शुक्रवार की रात विष्णुपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 2 मणिपुर राइफल्स और 7 मणिपुर राइफल्स के हेडक्वार्टर से हथियार लूटने की कोशिश की गई। बीते 17 महीनों से चली आ रही हिंसा में पहली बार रॉकेट अटैक भी किया गया। पुलिस ने बताया कि कुकी उग्रवादियों ने रेंज में रॉकेट भी दाग दिया। आइए देखते हैं पूरी वीडियो में कि कैसे उन लोगों ने रॉकेट अटैक भी किए। इस रॉकेट की लंबाई 4 फीट के करीब बताई गई। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को राज्य भर में स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया। बता दें कि पिछले 3 मई के बाद मणिपुर जातीय हिंसा का शिकार है। अधिकारियों का कहना है कि ये भी संभव है कि लंबी पाइप में गोला बारूद भरकर इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से फायर किया गया हो। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेर इंडिया।